120833. और ये 1,36,000. इन दोनों में हायर है ये, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे 1,24,000 है, जिसका भी हम लोग 10 महीना का ही लेंगे। सिंस इस क्वेश्चन में अच्छा एक्चुअल रेंट दिया हुआ है ना, हाँ एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। 8,000 करके उसको मिल रहा है कब तक, 15/11/2018, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7.5 months है ना, 7.5 months प्लस नवंबर दिसंबर जनवरी 2.5, 14,000 into 2.5 getting 95,000 higher of expected rent and actual rent, ये मेरा गैप हो गया, ठीक है, 1,03,333 बस। सो ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन ना कंटिन्यूएशन है, ये वाला ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, हाँ ये दूसरा है ना, जी सर, पूरा समझ